माय ब्यूटी क्वीन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी न्यू लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट। ये स्विस ब्यूटी का न्यू लाइन है विच इज़ नेम्ड एज स्विस ब्यूटी क्रेज। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक लाइक, जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली पर्पल के साथ लॉन्च करा है। एंड दीज प्रोडक्ट्स ऑल आर अवेलेबल ऑन पर्पल ओनली। सो मैंने जब ऑर्डर करना था, आई डिड चेक ऑन स्विस ब्यूटीज़ वेबसाइट एज वेल, दे वर नॉट अवेलेबल ओवर देयर। तो अगर आपको इनको बाय करना है, यू कैन बाय इट फ्रॉम पर्पल ओनली। सो आज के वीडियो में मैं ये सारे न्यू बजट मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे आई कैची चीज़ जो मुझे लगी वो है पैकेजिंग। लुक एट हाउ कूल, ट्रेंडी एंड गर्ली दिस लुक्स लाइक बजट प्राइस में इतनी बढ़िया क्लासी हाई एंड लुकिंग पैकेजिंग, कलर रेंज जिस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करा है, प्लस द प्रोडक्ट कैटेगरी विच इज़ अवेलेबल। फर्स्ट इंप्रेशन ओवरऑल रेंज को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर लाइक अंडर रुपीज़ 350 एंड 300 ओनली। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स स्विस ब्यूटी क्रेज रेंज में अभी लॉन्च हुए हैं, मैंने सारे पर्पल से मंगवाए हैं और इसके लिए मैंने टोटल 1210 रुपये पे करे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही ऑर्डर करी हैं। तो चलो फिर आज के वीडियो में ट्राई करते हैं ये न्यू बजट मेकअप कैसा है, ये स्विस ब्यूटी का न्यू क्रेज रेंज। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी क्रेज रेंज में है स्विस ब्यूटी क्रेज प्राइमर, जिसकी पैकेजिंग के ऊपर मेंशन है दिस इज़ अ प्राइमर विद मोरिंगा सीड ऑयल एंड जैपोनिका सीड ऑयल। सो मैंने इसको बैक ऑफ द हैंड पे लिया, थोड़ा वार्म अप करके चीक्स फोरहेड पे अप्लाई करा एंड देन आई जस्ट ब्लेंडेड इट। ये स्किन में बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा था। इट फेल्ट वेरी स्मूथ, पोर्स को फिल कर रहा था बट इट डिड फेल्ट वेरी वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन एज वेल। सो काफ़ी स्मूथ फील आया स्किन के ऊपर। बट जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी, आई डिड फेल्ट लाइक कि मैंने इस तरह का प्राइमर पहले भी ट्राई करा है। आई हैव द स्विस ब्यूटी विटामिन सी ई प्राइमर, जिसका टेक्स्चर मुझे बिल्कुल इस प्राइमर के जैसा ही लगा। मुझे लगा चलो जल्दी से दोनों को एक बार कंपेयर करके भी देख लेती हूँ। एंड देन आई ट्राइड स्विस ब्यूटी प्रो प्राइम अगेन जस्ट टू सी इन दैट मोमेंट। तो इसका टेक्सचर बिल्कुल सिमिलर है टू द न्यू प्राइमर। फिर मैंने दोनों के इंग्रेडिएंट भी बाद में कंपेयर करे एंड आई डिड नोटिस दोनों के इंग्रेडिएंट कम्प्लीटली सेम हैं। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, नथिंग न्यू आई फाउंड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। मुझे लगा था मैं कुछ नया खरीद रही हूँ, बट एनीवेज अगर आपने स्विस ब्यूटी का विटामिन सी ई प्राइमर ट्राई किया हुआ है तो नया वाला क्रेज प्राइमर आप स्किप कर सकते हो। इंग्रेडिएंट सेम है, फॉर्मूला सेम है, ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, सिर्फ पैकेजिंग ही डिफरेंट है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाउंडेशन। इस रेंज में कोई आया नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का प्रो एचडी फाउंडेशन जल्दी से डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ और उसको इवनली ब्लेंड कर लिया। और जितना ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट बचा था उसी को मैंने आईलिड के ऊपर भी आईलिड्स को इवन करने के लिए यूज़ कर लिया। एंड देन आई पिक्ड आउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ स्विस ब्यूटी आई शेडो एंड ब्लशर पैलेट। अभी इसमें चार शेड हैं, एक्चुअली इसमें चार शेड इस पैलेट में हैं बट देर आर थ्री डिफरेंट वेरिएंट। एक में कोरल का ऑप्शन है, एक में मूव शेड का ऑप्शन है एंड दिस इज़ मोर ओवर लाइक अ स्मोकी आई और एवरीडे काइंड ऑफ पैलेट, जिसमें ब्राउन, ब्लैक और शिमरी शेड है एंड साथ में है एक कोरल ब्लश। जो ब्लश है उसमें शिमर शीन पार्टिकल भी है एंड इस पूरे पैलेट में आपको एक मिरर भी मिल जाता है। सो आई पिक्ड दिस वन आउट सो दैट इसको फुल आई मेकअप के लिए यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले डार्क ब्राउन शेड को मैं आईब्रो फुल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ना जो डार्क ब्राउन शेड है ये ब्लेंड होने के बाद वाइन अंडरटोन देता है। इट इज़ नॉट अ ट्रू ब्राउन शेड, इट गिव्स यू अ लिटिल बरगंडी वाइब। तो इसलिए पहले मैंने इससे आईब्रो को लाइन करा था एंड दैट वॉज लुकिंग लिटिल वियर्ड। तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक एंड लाइट ब्राउन मिक्स करके यूज़ करा है एंड दैट हैज़ वर्कड वेल टू फिल माई आईब्रो। फॉर्मूला और पिगमेंट अच्छा लगा मुझे। देन आई शेडो के लिए मैं सबसे लाइटेस्ट जो ब्राउन शेड है उसको पिक कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर और आइज़ के आउटर कॉर्नर से क्रीज एरिया में उसको मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट करा एंड पिगमेंट इज़ गुड। हेयर यू सी मैंने कोई हैवी कंसीलर नहीं लगाया है, जस्ट वेरी लाइटली आई हैव सेट माई आईलिड। तो भी कलर जो है उसका पे ऑफ निकल के आ रहा है, कलर पिगमेंट दिख रहा है। देन आई मूव ऑन एंड पिक्ड अप द डार्क ब्राउन शेड एक प्रिसाइज पेंसिल ब्रश के ऊपर और इसको सिर्फ मैंने क्रीज एरिया में ब्लेंड करा है एंड अगेन द ब्लेंडिंग वॉज स्मूथ और कलर पिगमेंट आपको एक ही स्वाइप में मिल जाता है। देन आई पिक्ड अप द शिमरी शेड एंड फिंगर टिप के साथ मैंने इसको अप्लाई करा इसके इनर कॉर्नर से आउटर थर्ड तक। सो एक पूरी चीज़ जो मैंने इस आई शेडो पैलेट में नोटिस करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेट में थोड़ा किकबैक है लेकिन आँखों के ऊपर कोई भी फॉलआउट, मेजर फॉलआउट्स देखने को नहीं मिले। इसको आप एवरीडे रोज़ाना में भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन डू स्मोकी आई विद दिस। ब्लेंडिंग वाज इजी, बिगिनर्स कैन आल्सो यूज़ इट। Okay, so now moving on to the next product, वो है Swiss Beauty Craze Eyeliner and Stamp Duo. इस पर मैंशन करा है दिस इज स्मच प्रूफ एंड हाईली पिगमेंटेड. नाउ मैंने कभी स्टैम्प वाले लाइनर ट्राई नहीं करे बिकॉज आई डू फील डिफरेंट आई शेप के ऊपर ये वर्क नहीं करते एंड मेरी हुडेड आइज़ हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज लिटिल स्ट्रगलिंग कि मैं स्टैम्प कहाँ पे करूँ. तो मैंने अपने फोल्ड को बचाते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टैम्प प्लेस करके उसको अप्लाई करा, हल्का सा प्रेशर दिया सो दैट आई कैन गेट द स्टैम्प इन वन स्वाइप. तो कलर पिगमेंट आ गया, हल्का सा एक गैप रह गया था तो उसको मैं दूसरी साइड पे जो स्केच पेन लाइनर है उसके साथ वो गैप को फिल कर रही हूँ. एंड या लाइनर लगाना आसान था एंड आई डू फील लाइक अगेन अगर आपका आई शेप कैसा है उस हिसाब से यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपको किस जगह पे जो है वो लाइनर को स्टैम्प करना है टू गेट द परफेक्ट लुक. हियर यू सी मैं यहाँ पे एक ड्राई कॉटन पैड की मदद से जो नीचे एक्स्ट्रा लाइनर लग गया है पहले उसको वाइप करके निकाल रही हूँ एंड देन आई एम री डूइंग द लाइनर अगेन विद स्केच पेन लाइनर. अगर मैं थोड़ा और ऊपर लगाती ना तो मेरा लाइनर मैसी हो जाता क्योंकि आई हैव होडेड आइज, इसलिए मुझे थोड़ा नीचे करके अप्लाई करना पड़ा. बट अगेन क्रिएटिंग परफेक्ट विंग ऑन बोथ आइज विद दिस लाइनर वॉज ईजी. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट हेयर इज़ स्विस ब्यूटी क्रेज डुओ मस्कारा जिसमें आपको दो वॉन्ड्स मिलते हैं, एक वॉल्यूमाइजिंग और एक लेंथनिंग. दिस इज़ द लेंथनिंग वॉन्ड विच आई एम यूजिंग फर्स्ट. इसके एक साइड पे कर्व है और उसी साइड पे आपको ब्रिसल्स मिलते हैं. मैंने एक्चुअली इसके दो कोट अप्लाई करे. फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंटेंस थिक या गाढ़ा नहीं है, लाइक ऐसा नहीं कि आपको बहुत मोटा कोट दिखेगा लैशेस के ऊपर, बट या देयर इज़ इट्स अ मीडियम कंसिस्टेंसी फॉर्मूला, दैट इज़ व्हाट आई हैव नोटिस. तो पहले मैंने लेंथनिंग वाला मस्कारा यूज़ करा, उसके दो कोट अप्लाई करे, फिर वॉल्यूमाइजिंग वाली वॉन्ड यूज़ करी एंड दिस इज़ द डिफरेंस विच यू कैन सी. इट डज क्रिएट अ लिटिल डिफरेंस, लेंथ ज़रूर ऐड करता है लैशेस में बट बहुत ज़्यादा लाइक ओवर ड्रामेटिक नहीं है. देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव हेयर इज़ दिस लिप एंड चीक मैकरून. इसमें 5 अलग शेड्स अवेलेबल है. मैंने 01 ब्राउनिंग पाई शेड पिक करा था. आई वॉज लिटिल डाउटफुल अबाउट द शेड कि ब्राउन मेरी स्किन के ऊपर कैसा दिखेगा, और इसको जब ब्लेंड करते हैं इट डजेंट गिव अ ब्राउन टोन, ये एक हल्का सा मूवी पिंक का शेड देता है. मैंने इसको बैक ऑफ द हैंड पे लेके थोड़ा वार्म अप करके फिर ब्रश के साथ अप्लाई करा सो दैट आई कैन गेट एन इवन एप्लीकेशन. स्किन के ऊपर ये हाइड्रेटेड और डूई लुक देता है, ईजिली ब्लेंड होता है एंड या आई रियली लाइक दैट पार्ट. इसको लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं. एंड देन कम्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ स्विस ब्यूटी लिप एंड चीक टिंट. इसमें भी शेड रेंज अवेलेबल है. मैंने इसमें 01 शेड ही पिक करा है एंड या दिस इज़ माय कंप्लीट फाइनल लुक विद ऑल न्यू स्विस ब्यूटी क्रेज प्रोडक्ट्स. नाउ लेट मी नो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं. हाँ, ये ब्लशर ट्राई करना रह गया था तो लास्ट में मैं इसको भी दोबारा से अभी नीचे वाले ब्लश के ऊपर लेयर कर रही हूँ. इसमें हल्का सा शिमर है एंड व्हेन आई वाज लेयरिंग आई डिड नोटिस कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग या मैटिफाइंग नहीं है स्किन के ऊपर एंड पिगमेंट इज़ गुड और हल्का सा शाइन एंड शिमर भी ऐड करता है ये स्किन के ऊपर. सो या मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है आई शेडो पैलेट एंड आई डिड लाइक द लिप एंड चीक मैकरून एंड द लिप एंड चीक टिंट. प्राइमर से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नॉट द सेम ओल्ड प्रोडक्ट इन न्यू पैकेजिंग एंड या दैट इज़ द थिंग विच डिसअपॉइंटेड मी. सो मैंने आपके साथ सारे प्रोडक्ट शेयर करे हैं. कमेंट करके बताना आप अपने लिए कौन सा मेकअप प्रोडक्ट इनमें से खरीदना चाहोगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय.